नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर्स कैमूर से है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले NH2 पर कैमूर जिले के मोहनिया सामिकेतिक चेक पोस्ट के पास बिहार ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों ट्रक मालिकों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया है। बता दें कि बिहार सरकार के 20 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम लगाया गया है। बता दें कि जिसकी वजह से NH2 पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज आप लोगों का जाम किस लिए है? 20 सूत्री मांगे हैं हमारी। 20 सूत्री मांगे में हमारा जो है पहला नंबर तो डीजल 7 से 8 रुपया बिहार में मांगा है, और उसके बाद में हमारी महाराष्ट्र सरकार जो है टैक्स पूरा 6 महीने के लिए माफ़ किया है। उसके बाद में हमारे यहाँ जो कि किस्ती नहीं जा पा रही है गाड़ियों का, जो कि यहाँ फाइनेंशियल रोड पे आ गए हैं, किस्ती नहीं देने के चलते जबरदस्ती मनमाने ढंग से और पैसे असूलते हैं, जबरदस्ती गाड़ी में चढ़ चढ़ के और गाड़ी वालों को तंग करते हैं कि पैसा दो नहीं तुमको बंद करेंगे। और उसके बाद में जो कि हमारा जो है मांग है बालू, जो कि टोल प्लाजा से जो है हमारा जबरदस्ती पैसा, जो कि जिसका संपर्क है टोल प्लाजा में उसकी गाड़ी फ्री में जाती है, जिसका नहीं है उससे 40, 45, 46 सौ रुपया लिया जाता है जबरदस्ती, उसकी पर्ची अलग से दी जाती है। जो कि यह कौन सा कानून है? ये हमारा ही बिहार है ना, जो कि जाम आपका रहेगा, यह बिहार हमारा जब तक जाम रहेगा, जब तक कि हमारी यह मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे। हम लोग वाहनों को छूट आप लोगों ने दिया? हम लोग जो जैसे दूध वाहन है, जैसे एम्बुलेंस है, जैसे सवारी गाड़ी है, जैसे छोटी गाड़ियां हैं जो इमरजेंसी सेवा है, उसको हम लोग अपने तरफ से छूट दिए हैं, जो कि हम लोग रास्ता भी छोड़े हैं उनके लिए अपने तरफ से। और बड़ी गाड़ियों के लिए चक्का जाम है, बड़ी गाड़ियों को हम लोग नहीं, अनिश्चितकालीन एकदम, जब तक कि हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी। हमारा 20 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है चक्का जाम रखेंगे। बिहार सरकार का दुष्टीकरण जो है इतना चरम पर है कि खनन विभाग जब चाहे तब भेल कबार दे। RTO DTO MVI जितने हैं, थाना है, पुलिस है, सब जो है जिनका दिल करे वो रोड पर आ जाओ। एक जमाने का सुप्रियर धंधा जिसको कहा जाता ट्रांसपोर्टर धंधा है, और आज हम लोग भूखे कगार पर हैं। हम लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, बच्चों को कपड़ा नहीं है, यह मजबूरी हम लोगों की हो गई है। और फाइनेंसर आए दिन कहीं भी गाड़ी रोक करके जबरदस्ती पैसा वसूली करना, 2000 दे दो, 4000 दे दो, थाना का वही गति है, जिसका हाथ रोके एक चकुदार है वो चकुदार भी तैयार है कि नहीं गाड़ी रोक दो। 21 मार्ग पे आपने जाम लगाया, कितने राज्य प्रभावित होंगे इससे? 7 राज्य प्रभावित होंगे। किस मार्ग पे आपने जाम लगाया? हम NH2 पर जाम लगाए हैं, और यह जाम तब तक रहेगा जब तक कि मेरी मांगे पूरी नहीं होती है। कि गाड़ी में क्या लोड है और कहां से कहां जा रहे हैं? मक्खन लोड है हमारी गाड़ी में। आपकी गाड़ी का AC चल रहा है, क्या दिक्कत है सर? इसमें AC चलाव होता है, इसमें चलाना पड़ता है, -25 का माल है सर ये, और नहीं चलेगा तो क्या होगा? नहीं, माल खराब हो जाएगा सर। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? गुजरात से लोड किया है, कोलकाता जा रहे हैं। क्या लग रहा है कब तक ये जाम छूटेगा सर? इन लोगों की पता नहीं, अनिश्चितकालीन के लिए किया है, अब कितने दिन तक चले ये हमको क्या जानकारी है। ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सर ये डीजल बुक रहा है AC में, और क्या है परेशानी, तो ही रही है, खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं की दिक्कत तो आ रही है। अब आपको पहले मालूम था कि यहाँ पे चक्का जाम होने वाला? नहीं नहीं सर, हम तो अभी सुबह आए बॉर्डर से, अचानक ये हुआ है। नहीं जानकारी था? नहीं जानकारी। जानकारी होता तो? जानकारी होती तो हम क्या करते, तो साइड लगा लेते होटल पे। क्या नाम है आपका? कन्हैया सिंह।